नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 मई है और दिन है शुक्रवार और आज है अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी का जयंती उत्सव। आपको इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सरसों बाजार में किस तरह का कारोबार है और किस तरह की गतिविधियां हैं, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पिछले जितने भी दिनों से हम बात कर रहे हैं सरसों को लेकर के, मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं हमारा अनुमान लगभग ठीक ठाक सा ही बैठता जा रहा है। मैं बहुत दिन से आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि सरसों के अंदर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर वही स्थिति बनी जो आप सब लोग प्रतिक्रिया के रूप में दे रहे हैं कि सरसों अब बहुत से किसानों के पास नहीं है या अधिकतर किसान सरसों को बेच चुके हैं, मुझे सिर्फ एक ही बात का जो आशंका है वो ये है कि जैसे ही 4 जून को परिणाम घोषित होंगे लोकसभा के चुनाव के, हो सकता है कि सरकारें जो सरसों की सरकारी खरीद है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देंगे और उसके बाद जो भी किसान के पास माल बचा होगा उसको मंडियों में लाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। हालांकि कुछ और संभावनाएं भी हैं, ये भी एक आशंका ही है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो ही जाएगा। इसलिए लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं प्रेशर उस वक्त आ सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार मंदा नहीं है। आप पिछले 2 दिन से तो लगातार देख रहे हैं कि प्लांटों के अंदर तेजी बढ़ रही है। हालांकि प्लांट भी कोशिश करते हैं कि बाजार को थोड़ा ठीक ठाक सा ही रखा जाए, लेकिन फिर शाम को बाजार को बढ़ाना पड़ता है। आज सुबह सलोनी प्लांट ने 25 रुपये भाव घटा करके बाजार खोला, लेकिन कुछ ही देर के बाद में न केवल वो 25 रुपये कवर किया, उसके बाद 25 रुपया बाजार और बढ़ा दिया। उस हिसाब से देखें तो बाजार 50 रुपये बढ़ा है। इसी तरह गोयल कोटा वालों ने भी सुबह बाजार स्टेबल खोला 5350 रुपये पर, लेकिन शाम के समय यानी दोपहर के बाद में उसका भाव फिर 5400 रुपये कर दिया। हालांकि दिल्ली, चरखी दादरी, जयपुर, टोंक, निवई और बाकी सब मंडियों के अंदर भाव स्टेबल है, वही के वही भाव है जो कल थे या परसों थे, लेकिन प्लांटों के अंदर बाजार बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये है कि सरसों की अवेलेबिलिटी घट रही है और जिस क्वालिटी का सरसों इन प्लांटों को चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिस कारण से ही ये बाजार का जो भाव है वो बढ़ रहा है। थोड़ा सा आज हल्का सा सरसों का तेल भी सुधरा है, 1026 रुपये जयपुर कच्ची घानी का भाव हो गया है 10 किलो का, जो एक बार 1000 से भी नीचे चला गया था। 25-26 रुपये यानी 3.5 रुपये के आसपास इसमें भी तेजी आई है। और बिनोला तेल का जो मामला है, बिनोला तेल में की जो बात करें तो बिनोला तेल में आज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के भाव 900 रुपये से 5 रुपये के आसपास कमज़ोर हो गए हैं, नीचे आ गए हैं। गुजरात कड़ी का भाव भी 915 रुपये और गुजरात का भाव सॉरी राजकोट का भाव 910 रुपये और कड़ी का भाव 915 रुपये तक नीचे आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तेल में भी क्योंकि आपूर्ति बहुत कम है इसलिए इसमें मंदा नहीं है, बाजार आगे बढ़ेगा। मूंगफली के तेल के लिए भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसमें मंदा नहीं है और बाजार आज 25 रुपये के आसपास राजकोट का भाव प्रति 10 किलो बढ़ गया है और भाव हो गया है 1500 रुपये, जो पिछले काफ़ी दिनों से 1475 रुपये पर अटका हुआ था, बीच में 1455 तक भी नीचे चला गया, लेकिन अब बाज़ार सुधरता हुआ आगे बढ़ा है। और जो आज इंटरनेशनल बाज़ार के अंदर सोया और पाम तेल के अंदर भी काफ़ी दबाव है, क्योंकि आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्टॉक है वो भी मलेशिया का बढ़ रहा है और जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस कारण से आज KLC दबाव में रही, लेकिन इसके बावजूद सरसों के बाज़ार में गिरावट नहीं आई। गिरावट आगे भी आने की संभावना नहीं है, बाजार में सरसों का बाज़ार धीरे धीरे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन असली फैसला इसका जून में होगा, जब मई और जून में वैसे भी खाने के तेल की जो मांग है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए जून में जाकर के फैसला होगा कि सरसों के भाव दिवाली के आसपास कैसे रहेंगे। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि भाव लगभग वही हैं जो कल थे, लेकिन सलोनी का जो भाव है, शमशाबाद, देगनेर और आगरा का भाव आज 6000 रुपये हो गया है और अलवर का भाव 5225 रुपये, कोटा 5935 रुपये, भरतपुर का भाव भी आज कल से 15 रुपये बढ़कर के खुला है, कल खुला था 5145 और आज है भाव 5160 रुपये, जयपुर 5475 पर स्टेबल है, दिल्ली भी स्टेबल है, गोयल कोटा 5400 रुपये मैंने बताई दिया आपको,
और बाकी सारी मंडियों के जो भाव हैं वो कल के भाव ही स्टेबल हैं, इनमें कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।